अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। ये खूबसूरत और प्रेरणादायक विचार थे ऑनरेबल एपीजे अब्दुल कलाम जी के। नमस्ते, मैं हूं मीट्स आपकी होस्ट। वेलकम टू द शो लाइफ स्टोरी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। एपीजे अब्दुल कलाम जो सन 2002 से लेकर 2007 तक भारत के 11th प्रेसिडेंट थे, यानी राष्ट्रपति थे, और प्रेरणा के एक बहुत बड़े सूत्र। शालीनता, सादगी, सौम्यता और विनम्रता ना सिर्फ इनकी बातों में महसूस होती थी बल्कि इनके चरित्र में भी छलकती थी। उनके विचारों ने ना सिर्फ बच्चों के दिल में अपनी जगह बनाई बल्कि उनके विचारों ने युवाओं को भी एक नई प्रेरणा दी। दोस्तों, अक्सर हम बड़े सपने देखने से डरते हैं क्योंकि हम सबको लगता है कि अगर हम बड़े सपने देखेंगे तो वे पूरे नहीं होंगे, और इस डर से हम अपने सपने देखना छोड़ देते हैं और उस दिशा में सोचना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मन कह रहा होता है कि ये सपना पूरा नहीं हो सकता। पर क्या आपको मालूम है, अगर जिंदगी में हमें कुछ बड़ा बनना है तो उसकी शुरुआत सपने देखने से ही होती है। दोस्तों, ऐसा ही एक सपना कलाम साहब बचपन से देखा करते थे, और वो था आसमान में ऊंचा उड़ने का सपना। दरअसल बचपन से ही कलाम साहब आसमान के रहस्यों से और नीले आसमान में उड़ने वाले उन परिंदों को देखकर मुग्ध हो जाते थे। उन्हें उड़ते हुए परिंदों को देखकर खुद भी आसमान में उड़ने की तमन्ना होती थी। वहीं से उनके सपनों को एक दिशा मिली और उन्हें विश्वास था कि एक दिन वो भी इस खुले आसमान में इन परिंदों की तरह जरूर उड़ेंगे। दोस्तों, इसी एक सपने की बुनियाद पर कलाम साहब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगे। सच्ची लगन और इस एक इरादे से उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की, और फिर एक दिन उनका ये ख्वाब हकीकत में बदल गया जब वे एक एरोस्पेस साइंटिस्ट बन गए। कलाम साहब जो आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं और जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। कैसा था इनका बचपन, कैसे मिली जिंदगी में उनको एक दिशा, किसने किया उनका मार्गदर्शन, कैसे हुए उनके सपने साकार, क्या था उनका लक्ष्य और कैसा रहा उनका एक साइंटिस्ट से प्रेसिडेंट बनने तक का सफर, आज मैं आप सबको ले जाने आई हूँ प्यार और प्रेरणा के एक खूबसूरत सफर पर, जहां मैं आपको सुनाऊंगी एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की कहानी। ओनली ऑन कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। अव्वल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एक तमिल मुस्लिम फैमिली रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता एक नाविक थे जो यात्रियों को नाव में रामेश्वरम के एक किनारे से दूसरे किनारे धनुषकोडी ले जाते थे और उन्हें वापस छोड़ देते थे। कलाम साहब के पिताजी इतने एजुकेटेड नहीं थे और उनकी माताजी आशियम्मा एक होम मेकर थी। कलाम साहब अपने 5 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। दोस्तों, कलाम साहब एक बहुत ही सीधे सादे परिवार में पैदा हुए थे जहां पर ह्यूमन वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, पर फिर भी उनके माता पिता ने उनकी परवरिश बहुत प्यार और अच्छी ह्यूमन वैल्यूज से की थी। कलाम साहब के एंसेस्टर्स यानी पूर्वज बहुत वेल्दी थे। उनका बहुत बड़ा फैमिली बिजनेस था, लेकिन बाय द टाइम कलाम साहब का जन्म हुआ, ड्यू टू बिजनेस लॉसेस उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं रही। क्या आपको मालूम है दोस्तों, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कलाम साहब बचपन में न्यूज़पेपर्स भी बेचा करते थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग श्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम से की थी। बचपन से ही वे एक बहुत ही हार्ड वर्किंग और एक इंटेलिजेंट चाइल्ड थे। चीजों को समझने की और जानने की उनके अंदर बहुत जिज्ञासा थी। आपको याद है दोस्तों, बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे वो भी क्या दिन थे, है ना? बचपन से जुड़ा होता है स्कूल, और स्कूल से जुड़ी होती हैं हमारी कुछ कड़वी और कुछ मीठी यादें। और अगर हम बात कर रहे हैं स्कूल की, तो हम अपने टीचर्स को कैसे भूल सकते हैं।
क्योंकि एक टीचर एक बच्चे की लाइफ में एक बहुत अहम रोल अदा करता है। उनकी टीचिंग्स और उनकी प्रेरणा भरी बातों से एक बच्चे को प्रेरणा मिलती है, जिससे उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास मिलता है। कलाम साहब की जिंदगी में भी उनके बचपन में उनके एक फेवरेट टीचर थे जो उन्हें बहुत प्रभावित करते थे। अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने अपने फेवरेट टीचर अय्यादुराई सोलोमन को उन्होंने बहुत एक्नॉलेज किया है। कलाम साहब बताते थे कि उनके टीचर बहुत ही हम्बल, ओपन माइंडेड और उनके बहुत अच्छे मेंटर थे, जिनकी वजह से वह बहुत कंफर्टेबल फील करते थे। और उनके टीचर ने बचपन के उन दिनों में उन्हें बहुत इंस्पायर किया। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद कलाम साहब ने सेंट जोसेफ्स कॉलेज तिरुचिरापल्ली में एडमिशन लिया, जहां से फिजिक्स में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। दोस्तों, जब हम अपनी लाइफ के टीनेजर के उस दौर में होते हैं जो हमारे करियर के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट फेज होता है, जहां हमें एक पर्टिकुलर फील्ड को चूज करना होता है और ये डिसीजन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक पर्टिकुलर फील्ड चूज भी कर लेते हैं और उस डायरेक्शन में आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन बाद में हमें रियलाइज होता है कि ये पर्टिकुलर फील्ड हमें हमारी मंजिल की तरफ नहीं ले जा रही या हमारे गोल्स अचीव करने में हमें मदद नहीं कर पा रही है। कलाम साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग के बाद सेंट जोसेफ्स कॉलेज में बीएससी डिग्री के लिए एडमिशन तो ले लिया था, लेकिन उस समय साइंस फील्ड में उन्हें इतने सारे करियर ऑप्शंस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। फिजिक्स में उन्हें इंटरेस्ट तो था, लेकिन वो उनका पैशन नहीं था। उनका जुनून यानी पैशन क्या था और वो कैसे डेवलप हुआ, आइए जानते हैं उनके जीवन में घटी इस प्रेरणादायक घटना से। ये बात उन दिनों की है जब कलाम साहब पांचवी कक्षा में थे। बचपन से ही उन्हें आकाश में उड़ते हुए परिंदों को देखना बहुत पसंद था। एक बार स्कूल में उनके टीचर सुब्रमण्यम सर की क्लास चल रही थी, जिसमें वे बच्चों को समझा रहे थे कि एक पक्षी उड़ान कैसे भरता है। उनके टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर पक्षी का एक चित्र बनाया, जिसमें उन्होंने पक्षी के पंख, पूंछ और शरीर की तरफ इशारा करते हुए सारे क्लास को वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया। जब क्लास खत्म हुई तो सुब्रमण्यम सर ने सब बच्चों से पूछा कि क्या ये टॉपिक सबको समझ में आया है। इस पर कलाम साहब और सब बच्चों का उत्तर ना में था। ये सुनकर सुब्रमण्यम सर ने सबको आश्वासन देते हुए कहा, कोई बात नहीं। और उसी शाम सर ने पूरी क्लास को रामेश्वरम के तट पर ले जाने का फैसला किया, ताकि वे इस टॉपिक को बच्चों को प्रैक्टिकली समझा सकें। उस शाम जब सारी क्लास वहां पहुंची तो वहां दर्जनों समुद्री पक्षी आसमान में पंख फैलाकर उड़ रहे थे। सुब्रमण्यम सर ने पक्षियों की तरफ इशारा किया और उन्होंने समझाया कि कैसे पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हैं, यानी वे कैसे अपने पंख ऊपर नीचे करते हैं। उन्होंने बच्चों को ये भी बताया कि पक्षी अपनी दिशा कैसे बदलते हैं और कैसे अपने पंखों की सहायता से वे धीरे धीरे उड़ान भरते हैं। सुब्रमण्यम सर की इस प्रैक्टिकल क्लास से बच्चों को वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया और उनके जहन में उतर गया। और उस दिन कलाम साहब को पक्षियों की उड़ान के बारे में सारे डायनामिक्स समझ में आ गए। कलाम साहब बताते हैं, मात्र इस एक इंसिडेंट ने उनको बहुत इम्पैक्ट किया और उन्होंने वहीं से अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिया। वे फ्लाइंग को लेकर बहुत पैशनेट हो गए और जब उन्होंने 1954 में फिजिक्स में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी तो उन्हें रियलाइज हुआ कि वे अपने सपने यानी अपने पैशन को कैसे पूरा करेंगे। उनका सपना तो आसमान में ऊंचा उड़ना था और उनका सपना था एक फाइटर पायलट बनना, और अपने इसी सपने को अंजाम देने के लिए उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग परसू करने का फैसला किया। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि क्या कलाम साहब अपने सपनों को अंजाम दे पाएंगे? क्या वे एक फाइटर पायलट बन पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस खूबसूरत सफर पर, ओनली ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे।
दोस्तों, अपने सपनों को पूरा करने के लिए और जिंदगी में उन ऊंचाइयों को छूने के लिए, यानी एरोस्पेस इंजीनियरिंग परस्यू करने के लिए, ये 1955 में कलाम साहब पहुंच जाते हैं मद्रास सिटी में, जो अब चेन्नई के नाम से जानी जाती है। कलाम साहब ने चेन्नई में MIT में, यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। उन दिनों इंडिया में ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता था और आज भी इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में इसका नाम आता है। तो आप समझ ही सकते हैं इस कॉलेज में जो एडमिशन लेने का क्राइटेरिया होगा वो कितना डिफिकल्ट होगा। लेकिन आपको तो मालूम ही होगा कि कलाम साहब बचपन से ही बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत इंटेलिजेंट थे। जीवन में अपने लक्ष्य को लेकर वे बहुत डेडिकेटेड और फोकस्ड थे। इसी माइंडसेट और सिंसियरिटी की वजह से कलाम साहब का नाम कॉलेज की एडमिशन लिस्ट में आ गया था। लेकिन इस कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी और उस फीस को पे करना उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वे उस समय अपने पिताजी से कुछ मदद मांग सके, लेकिन ऐसे में उनकी बहन ने उनको आगे बढ़कर सपोर्ट किया और अपनी ज्वेलरी गिरवी रख दी ताकि उनके भाई उस कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने सपनों को पूरा कर सके। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कभी ऐसा नाजुक वक्त आया होगा ना कि जब हम अपनी मंजिल के सामने खड़े हों और बावजूद इसके हमारे पास सारी क्षमताएं हों लेकिन फाइनेंशियल रिसोर्सेस की कमी हो। ऐसे वक्त में कितना हेल्पलेस महसूस करते हैं हम, है ना? ऐसे में लगता है कि बस कोई ईश्वर का भेजा हुआ इंसान आए और हमारी उस घड़ी में मदद कर दे। वाकई कलाम साहब की बहन उनके लिए ऐसे वक्त में ईश्वर का भेजा हुआ वही इंसान थी। और इस बात का भी कलाम साहब ने बहुत मान रखा और उन्होंने सोचा कि वे पढ़ाई में इतनी मेहनत करेंगे ताकि उन्हें कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल सके और वक्त आने पर वे अपनी बहन के द्वारा गिरवी रखी हुई ज्वेलरी को छुड़वा सकें। इसके बाद उनका एडमिशन कॉलेज में हो गया था और यहाँ से उनके जीवन का एक नया चरण शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने पहले दिन से ही मेहनत करनी शुरू कर दी थी। दोस्तों, कलाम साहब के कॉलेज में दो हवाई जहाज के मॉडल्स थे जो स्टूडेंट्स के लिए डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर रखे हुए थे। कलाम साहब उन्हें देखकर इतने आकर्षित हो जाते थे कि वे घंटों उन्हें निहारते रहते थे और अक्सर कल्पना करते थे कि वे एक खुले आसमान में हवाई जहाज को उड़ा रहे हैं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग काम का प्रेशर नहीं सह पाते। हमें या तो गुस्सा आ जाता है या तो हम पैनिक हो जाते हैं और उस वजह से हम वो काम या तो अधूरा छोड़ देते हैं या फिर वो काम अच्छे से पूरा ही नहीं कर पाते। जब कलाम साहब अपने फाइनल ईयर में थे तो उन्हें और उनके चार सहपाठियों को एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया था, जिसमें एज अ टीम सभी स्टूडेंट्स की कुछ ना कुछ जिम्मेदारी थी। कलाम साहब ने इस प्रोजेक्ट में एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग का जिम्मा अपने कंधों पर लिया था। इसी दौरान कॉलेज के डायरेक्टर ने एक दिन उनकी प्रोग्रेस देखनी चाही, लेकिन उनकी प्रोग्रेस इतनी अच्छी नहीं थी और ये देखकर कॉलेज के डायरेक्टर कलाम साहब से बहुत नाराज हो गए थे। उस समय कलाम साहब ने कॉलेज के डायरेक्टर से कुछ दिनों की मोहलत और मांगी ताकि वे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके, लेकिन कॉलेज के डायरेक्टर कलाम साहब की बात सुनने को राजी ही नहीं थे और उन्होंने कलाम साहब को सिर्फ 3 दिन का समय दिया और साथ में ये भी कहा कि अगर इन 3 दिनों में तुमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। जब कॉलेज के डायरेक्टर ने कलाम साहब से ये बात बोली थी तो उस दिन शुक्रवार की दोपहर थी और 3 दिन का समय मतलब उनको वो प्रोजेक्ट सोमवार की सुबह देना था। पहले तो कलाम साहब स्कॉलरशिप कैंसिल करने की बात से घबरा गए थे और ऊपर से उनको इन 3 दिनों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना था। उनकी स्कॉलरशिप रद्द ना कर दी जाए उसके लिए उन्होंने अपने आप को उस प्रोजेक्ट के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। उन 3 दिनों में ना तो उन्हें अपनी सुध बुद्धि
और ना ही अपने आसपास हो रही गतिविधियों की। उन तीन दिनों में उन्होंने ना तो अपना खाना ठीक से खाया और ना ही वे ठीक से सोए। और रविवार की सुबह वे ऑलमोस्ट अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीशन स्टेज पर ले आए थे। जब उनके कॉलेज डायरेक्टर को इस बात का पता चला तो वे कलाम साहब की लगन, मेहनत और उनके अंदर एक जिम्मेदारी के एहसास को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कलाम साहब को प्यार से गले लगा लिया था। अपना कॉलेज खत्म करने के बाद उन्होंने कुछ वक्त के लिए एज अ ट्रेनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बैंगलोर में ज्वाइन किया था। दोस्तों, हर ट्रेनी अपनी ट्रेनिंग के बाद और अपने इतने सालों के एफर्ट्स के बाद अपने करियर की शुरुआत एक अच्छी नौकरी से करना चाहता है। क्या कलाम साहब भी अपने करियर की शुरुआत अपनी मनपसंद नौकरी से कर पाएंगे? HAL से यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद कलाम साहब को दो जगह से नौकरी के इंटरव्यू कॉल्स आए थे और दोनों ही नौकरियों के ऑफर्स उनके दिल के बहुत करीब उनके सपनों से यानी कि फ्लाइंग से जुड़े हुए थे। एक नौकरी का कॉल था इंडियन एयरफोर्स से, जिसके लिए उन्हें एयरफोर्स पायलट के लिए इंटरव्यू देने जाना था देहरादून में, और दूसरा कॉल उन्हें आया था डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन यानी DTDNP मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिल्ली से। कलाम साहब इन दोनों इंटरव्यू कॉल्स को लेकर बहुत एक्साइटेड थे और इन दोनों इंटरव्यूज को अटेंड करने के लिए वे रवाना हो जाते हैं दिल्ली के लिए, जहां वे DTDNP के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं। उनके मुताबिक उनका ये इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है। इस इंटरव्यू के बाद वे अपना दूसरा इंटरव्यू देने पहुंच जाते हैं देहरादून में, जो कि इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट के लिए था। दोस्तों, हम सबको मालूम है कि एक एयरफोर्स पायलट बनना आसान काम नहीं है और यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया और भी डिफिकल्ट होता है, चाहे वो एज हो, चाहे हमारी एजुकेशन हो, फिजिकल कंडीशंस हो या फिर स्मार्टनेस। कलाम साहब इस इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए बहुत डिटरमिन्ड थे, लेकिन वे अंदर से थोड़े बेचैन भी थे। उस समय इस फाइटर पायलट की पोजीशन के लिए 25 और कैंडिडेट्स आए हुए थे, लेकिन वैकेंसीज थी सिर्फ 8 और कलाम साहब को 9वां स्थान मिला था, यानी वे उस पोजीशन को क्वालिफाई करने से सिर्फ एक रैंक से चूक गए थे। दोस्तों, अगर हम अपनी मंजिल के इतने करीब हों और हम में वो हर काबिलियत हो और फिर भी हमें उस मंजिल को छुए बिना वापस जाना पड़े, तो कैसा लगेगा हमें और कैसा महसूस करेंगे हम? टूट जाएंगे हम अंदर से और बिखर जाएगी हमारी दुनिया। ऐसा ही हाल कुछ कलाम साहब का हो रहा था उस समय। बहुत निराश हो गए थे वे जिंदगी के उस दौर में। वे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि वे अपने सपनों और अपनी मंजिल के इतने करीब पहुंचकर कैसे चूक गए। इस गम से उभरने के लिए और सीने में उस भारीपन को लिए वे ट्रैकिंग करते करते ऋषिकेश पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद कलाम साहब की मुलाकात स्वामी शिवानंदा जी से हुई। कलाम साहब को स्वामी जी से मिलते ही एक असीम शांति का अनुभव हुआ और स्वामी जी ने कलाम साहब का मार्गदर्शन किया। इसके बाद कलाम साहब दिल्ली वापस आए और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जिस नौकरी के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने उसके रिजल्ट्स के बारे में जानना चाहा और उनका सिलेक्शन एज अ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO में हो गया था। आमतौर पर जब हमारी जिंदगी में फेलियर्स आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। हम अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं और कभी कभी तो हम पूरी दुनिया से अपने आप को कट ऑफ भी कर लेते हैं। ऐसे वक्त में जरूरी है कि कोई हमें उस अंधेरे से बाहर निकाले या कोई हमें आकर बस समझ ले कि हम कितने कठिन वक्त से गुजर रहे हैं। बहुत कम लोगों में ये गुण होता है जो मानते हैं कि असफलताएं यानी फेलियर्स हमें हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा सिखाने आते हैं, हमें मजबूत और बेहतर बनाने आते हैं, जो हमें अपनी जिंदगी के उस वक्त में समझ नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी जिंदगी की राह में उन असफलताओं को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमें हमारी असफलताएं एक नई दिशा की तरफ ले जा रही हैं।
ऐसा ही कुछ कलाम साहब की जिंदगी में हो रहा था। एक नई दिशा, एक नया अवसर उनका इंतजार कर रहा था जिंदगी में आगे बढ़कर कुछ कर दिखाने का। 3 साल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करने के बाद कलाम साहब की पोस्टिंग एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ADE बैंगलोर में हो जाती है, जहां पर उन्हें एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया था जिसमें उन्हें अपनी टीम के साथ एक हॉवरक्राफ्ट डिजाइन करना था और ये काम इतना आसान नहीं था। लेकिन 1 साल के कड़े प्रयासों के बाद कलाम साहब और उनकी टीम ने हॉवरक्राफ्ट बना लिया जिसका नाम रखा गया था नंदी। नंदी की सफलता के बाद कलाम साहब को इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च से रॉकेट इंजीनियर की पोजीशन के लिए इंटरव्यू कॉल आता है जिसको अटेंड करने वे मुंबई जाते हैं और वहां उनका सिलेक्शन हो जाता है। इंकोस्पार यानी इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च में वे डॉक्टर विक्रम साराभाई की टीम में आ जाते हैं जो एक जाने माने स्पेस साइंटिस्ट थे। ईयर 1963 में विक्रम साराभाई की टीम से कलाम साहब को साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग टेक्निक्स की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया जिसके लिए कलाम साहब को 6 महीने के लिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा US में जाना था जो एविएशन फील्ड में एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं और जिस इंसान के अगर इरादे नेक हो और अगर उसके अंदर सच्ची लगन हो वो कैसी भी स्थिति को संभाल सकता है। और ऐसे लोग बहाने नहीं ढूंढते बल्कि ढूंढते हैं वो रास्ते जो उनको उनकी मंजिल की तरफ ले जाते हैं। और कुछ ऐसे ही थे हमारे ग्रेट APJ अब्दुल कलाम साहब। जब वे अपनी 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद नासा से वापस इंडिया लौटकर आए थे तो ईयर 1969 में उन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की शुरुआती टीम को ज्वाइन किया था जहां पर उन्हें बहुत असुविधाएं आई थी, लेकिन कलाम साहब असुविधाओं पर कम और उनसे उभरने पर ज्यादा ध्यान देते थे। कलाम साहब को केरला में थिरुवंतपुरम के पास एक छोटे से गांव थुम्बा में भेजा गया था जहां पर इनकी पूरी टीम को इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन सेटअप करना था। इस छोटे से गांव में कलाम साहब और उनकी टीम को सारी तैयारियां शुरुआत से करनी थी। इस प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा कुछ इन्वेस्ट भी नहीं किया गया था। इस गांव में एक चर्च था, सेंट मेरीज चर्च, और उसी चर्च को कलाम साहब और उनकी टीम ने अपना ऑफिस बनाया। समुद्र के किनारे उन्होंने रॉकेट का लॉन्च पैड बनाया और वहां जो गौशाला थी उसको इन सब ने अपनी लैबोरेटरी बनाया और चर्च के जो फादर थे उनके घर को उन्होंने वर्कशॉप में कन्वर्ट कर दिया। क्या आप विश्वास करेंगे दोस्तों, रॉकेट के पार्ट्स को चर्च से लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए उनके पास कोई भी बड़ा साधन नहीं था। वे कभी साइकिल पर तो कभी बैलगाड़ी में रॉकेट के पार्ट्स को ले जाते थे और अंत में इन सब की मेहनत रंग लाई और ये 1963 में इन्होंने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। ईयर 1969 में कलाम साहब की काबिलियत को देखते हुए उन्हें इसरो में इंडिया के फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया गया था। SLV-3 के साथ साथ उन्हें दूसरे प्रोजेक्ट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV पर भी काम करना था। इन प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए कलाम साहब को फंड्स की जरूरत थी और इतने फंड्स उनके पास अवेलेबल नहीं थे। जब उन्होंने गवर्नमेंट से इन प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स मांगे तो गवर्नमेंट ने कलाम साहब को फंड्स देने से इनकार कर दिया, लेकिन उस समय की हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने सीक्रेटली इन एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स के लिए कलाम साहब को फंड्स अलॉट कर दिए ताकि कलाम साहब इन प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे सके। और फिर कलाम साहब ने दिन रात फोकस्ड होकर इन प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, उनकी इसी डेडिकेशन और लीडरशिप की वजह से उन्होंने भारत के लिए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तैयार किया और बहुत सारे मिसाइल्स भी लॉन्च किए जो हिंदुस्तान के लिए बड़ी फक्र की बात थी। कैसा रहा होगा उनके लिए ये सफर।
दोस्तों, अगर आम तौर पर देखा जाए तो एक आम आदमी दिन के 8 या फिर 10 घंटे काम करता है, लेकिन हमारे कलाम साहब दिन के 18 घंटे काम करते थे, और वो भी बिना किसी दबाव के। एक अलग ही अंदाज था उनके काम करने का, और वे एक बहुत ही क्रिएटिव लीडर थे। अपनी सकारात्मक सोच से वे हमेशा विश्वास रखते थे कि जीवन में सब कुछ संभव है। वे एक विजनरी थे, यानी दूरदर्शी थे, जो भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश बनाना चाहते थे। अपनी वर्क लाइफ में इतने सारे काम और डेडलाइंस होने के बावजूद भी कलाम साहब उन्हें बड़े सब्र से हैंडल करते थे। एक शांति का भाव उनके चेहरे पर और उनके बोलने के लहजे में था, जो उनके आसपास के लोग महसूस कर सकते थे। दोस्तों, कलाम साहब को जिम्मा दिया गया था इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च करने का। वे अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड थे। ना तो वे किसी त्योहार पर छुट्टी लेते थे और ना ही वे किसी पर्सनल रीजन से। जब कलाम साहब SLV-3 पर काम कर रहे थे तो ईयर 1976 में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उनके पिताजी, जो वाकई उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। अगर बात करते हैं कलाम साहब के आचरण की और उनके ह्यूमन वैल्यूज की, यानी मानवीय मूल्यों की, तो इसका काफी हद तक का श्रेय उनके पिताजी के द्वारा दिए गए प्यार और परवरिश को जाता है। ईयर 1969 से लेकर ईयर 1979 तक कलाम साहब ने दिन रात SLV-3 पर 10 साल तक काम किया, ताकि वे इस प्रोजेक्ट को नतीजा दे पाएं। इसी दौरान उनकी माताजी की भी मृत्यु हो गई थी। उस समय वे जिंदगी के बड़े कठिन दौर से गुजर रहे थे, जहां पर उन्हें SLV-3 पर काम करने के लिए दिमागी तौर से दुरुस्त रहना था, लेकिन इन दोनों मौतों ने उन्हें अंदर तक बहुत गहरा दुख पहुंचाया था। लेकिन फिर भी कलाम साहब ने SLV-3 की बागडोर को बड़े अच्छे से संभाला। 10 अगस्त 1979 को SLV-3 की उड़ान का दिन तय किया गया। 23 मीटर लंबा, 4 स्टेजेस का ये रॉकेट और 17 टन का वजन लिए शान से उड़ने के लिए रवाना किया गया। इस रॉकेट ने अपनी पहली स्टेज को बड़ी अदा से पार कर लिया था और वे दूसरी स्टेज में दाखिल हो चुका था। कलाम साहब और उनकी पूरी टीम मंत्रमुग्ध होकर बैठे थे। ऐसे लग रहा था उन सबके बरसों का ख्वाब पूरा होने वाला था, लेकिन अचानक से उन सबके ख्वाब में दरार आ गई और रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, यानी नियंत्रण से बाहर हो गया, और कुछ ही सेकंड्स के बाद ये उड़ान रुक गई। कलाम साहब और उनकी टीम का इतने सालों का सपना चौथी स्टेज बिना पार करे ही टूट गया और रॉकेट समुन्दर में जाकर गिर गया। इस वाक्या से कलाम साहब और उनकी पूरी टीम को एक गहरा सदमा पहुंचा। निराशा और गुस्से से भर गए थे कलाम साहब। दिमाग और शरीर सुन्न पड़ गया था उनका, और पूरे माहौल में एक नाकामयाबी की तरंग उमड़ चुकी थी। किसी ने पूछा कि मिशन फेल होने की क्या वजह हो सकती है। कलाम साहब जवाब देना चाहते थे, लेकिन पिछले कई हफ्तों से लॉन्च की वजह से वे दिमागी और शारीरिक रूप से थक चुके थे। वे सीधा अपने कमरे में गए और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हर शख्स अपने अपने तरीके से इस प्रोजेक्ट की नाकामयाबियों की वजह जानकर शायद संतुष्ट हो गया था, लेकिन कलाम साहब को चैन नहीं आ रहा था। वे इस प्रोजेक्ट की नाकामयाबी से बहुत बेचैन हो गए थे। उस समय इसरो के चेयरमैन थे प्रोफेसर सतीश धवन। कलाम साहब ने प्रोफेसर धवन को एक मीटिंग में बताया कि इस प्रोजेक्ट के मिशन डायरेक्टर होने के नाते वे इस प्रोजेक्ट की नाकामयाबी की पूरी जिम्मेदारी अपने सर लेते हैं। दोस्तों, अगर बात करते हैं कॉरपोरेट कल्चर की, तो वहां बड़ा एक कॉम्पिटिटिव सा माहौल होता है, जहां पर हर कोई अपनी पोजिशन सिक्योर करने में लगा होता है, और अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल हो जाए तो एक दूसरे को ब्लेम किया जाता है। लेकिन कलाम साहब एक बहुत ही ग्रेट लीडर थे, जो मानते थे कि एक लीडर को साहसी होना चाहिए और उसके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि अगर असफलता मिले तो उस लीडर को अपनी गलतियां स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। पूरा देश इस सैटेलाइट के लॉन्च होने का इंतजार कर रहा था। इस प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए लगे थे, और जब ये मिशन असफल हुआ तो मीडिया वालों ने भी इस मिशन की असफलता को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए। ऐसे में कलाम साहब बहुत घबरा गए थे कि वे मीडिया के प्रश्नों का जवाब कैसे देंगे,
और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो प्रोफेसर सतीश धवन कलाम साहब को अपने साथ ले गए। वहां पर जब कलाम साहब से पूछा गया कि इस मिशन के फेल होने का क्या कारण है, इससे पहले कलाम साहब कुछ कहते, प्रोफेसर धवन ने पूरी मीडिया को जवाब दिया, मैं मानता हूं कि हम असफल हो गए हैं, लेकिन मुझे अपनी टीम पर पूरा विश्वास है और अगले एक साल में यही टीम दोबारा कामयाब होकर दिखाएगी। ये सुनते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद टीम का हौसला और भी बढ़ गया। पूरी टीम की असफलता प्रोफेसर धवन ने अपने ऊपर ले ली थी। कलाम साहब ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। प्रोफेसर धवन ने कलाम साहब और उनकी टीम को एक नई ऊर्जा से भर दिया था। ये टीम फिर से पूरी लगन और जोश के साथ इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में लग गई और 10 महीने कैसे निकल गए मालूम ही नहीं चला। 17 जुलाई 1980 SLV-3 की उड़ान से 30 घंटे पहले अखबार में और मीडिया में SLV-3 को लेकर बहुत चर्चा हुई। बहुत से अखबारों में पिछले साल की नाकामयाबी का जिक्र किया गया था। 18 जुलाई 1980 की सुबह हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम था रोहिणी सैटेलाइट, उड़ा और इस बार कोई चूक नहीं हुई और कुछ ही पलों में रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में था और ये मिशन सक्सेसफुल रहा। कलाम साहब के लिए ये पल उनकी जिंदगी का सबसे अहम पल था। वे बहुत खुश थे। हर तरफ एक उमंग की लहर थी। एक अरसे बाद हिंदुस्तान का ख्वाब पूरा हुआ और इतिहास का एक नया पन्ना खुला। हिंदुस्तान का नाम उन देशों में आ चुका था जिसमें सैटेलाइट लॉन्च करने की काबिलियत थी और ये पूरी कोशिश हिंदुस्तान की खुद की थी, यानी स्वदेशी थी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी कलाम साहब की कामयाबी को देखकर बहुत खुश हुईं और उन्होंने प्रोफेसर धवन को कहा कि वे कलाम साहब से मिलना चाहती हैं। इस पर प्रोफेसर धवन ने कलाम साहब को फोन किया और इंदिरा गांधी जी का संदेश उनको दिया कि वे दिल्ली उनसे मिलने आ जाएं। कलाम साहब ने जब ये सुना तो वे थोड़ा चिंतित हो गए और उन्होंने प्रोफेसर धवन को बोला कि उनके पास तो प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए एक अच्छा सूट भी नहीं है और ना ही अच्छे जूते हैं। ऐसी हालत में वे कैसे इंदिरा गांधी जी से मिलेंगे। इस पर प्रोफेसर धवन ने कलाम साहब को बोला, कलाम तुमने जो सफलता का लिबास पहना है इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। दोस्तों, कैसी रहेगी कलाम साहब की ये मुलाकात इंदिरा गांधी जी के साथ और क्या ये मुलाकात हिंदुस्तान के भविष्य में एक नया मोड़ लाएगी? अगली सुबह कलाम साहब पहुंच जाते हैं दिल्ली प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी से मिलने पार्लियामेंट हाउस में, जहां पर उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी पर एक मीटिंग रखी थी। कलाम साहब प्रोफेसर धवन के साथ इस मीटिंग को अटेंड करने जाते हैं। इस मीटिंग में और भी महत्वपूर्ण सदस्य थे। इंदिरा गांधी जी तो पहले ही कलाम साहब की कामयाबी से बहुत प्रभावित थी। उन्होंने इस मीटिंग में SLV-3 की सफलता की चर्चा की और कलाम साहब और उनकी पूरी टीम की बहुत सराहना की। ईयर 1981 में भारत सरकार ने कलाम साहब को राष्ट्र के प्रति उनकी सराहनीय उपलब्धियों के लिए उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया। दोस्तों, उस समय दूसरे देश जैसे चाइना, पाकिस्तान इत्यादि मिसाइल्स बना रहे थे और भारत को कलाम साहब जैसे बुद्धिमान और होनहार साइंटिस्ट की जरूरत थी जो हमारे देश की प्रगति में मदद कर सके। और जब इंदिरा गांधी जी उनसे मिली तो उन्होंने कलाम साहब को भारत के लिए मिसाइल्स बनाने को कहा। ईयर 1982 जून में कलाम साहब को DRDL यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी का डायरेक्टर बना दिया गया था। दोस्तों, 1980 के दशक में कलाम साहब को उनकी रिसर्च और एजुकेशनल लीडरशिप के लिए भी उन्हें बहुत ख्याति और प्रतिष्ठा मिली। उस समय हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर थे श्री आर वेंकटरमन और उन्होंने कलाम साहब को सलाह दी कि वे भारत के लिए एक मिसाइल प्रोग्राम बनाएं, जिसमें उन्होंने कलाम साहब को सभी मिसाइल्स पर एक साथ काम करने को कहा और उन्हें इस प्रोजेक्ट का चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया।
इस मिसाइल प्रोग्राम का नाम रखा गया IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम के दौरान कलाम साहब ने बहुत सारी मिसाइल्स बनाई जिससे भारत का एक महत्वपूर्ण विकास हुआ। इस मिसाइल प्रोग्राम में बनाई जाने वाली हर मिसाइल हिंदुस्तान की आत्मनिर्भरता का सबूत था। कलाम साहब ने इस प्रोजेक्ट के अंदर 5 महत्वपूर्ण मिसाइल्स बनाई और वे थी पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग। जब कलाम साहब ने इतनी सारी मिसाइल्स बनाई तो उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। दोस्तों, साइंस यानी विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जहां आए दिन नए आविष्कार होते रहते हैं और एक आम आदमी इन आविष्कारों के बारे में या तो सिर्फ पढ़ता है या सुनता है, लेकिन एक साइंटिस्ट को ही मालूम होता है कि इस एक आविष्कार के पीछे वो कितनी बार नाकामयाब हुआ है और उसकी हर नाकामयाबी उसे सफलता के और करीब लाती है। विज्ञान के क्षेत्र में चाहे कितनी भी उन्नति हो जाए, फिर भी हमें असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। कलाम साहब कभी चुनौतियों से डरते नहीं थे। जिंदगी ने उन्हें अगर सफलता का ताज पहनाया था तो उन्हें असफलताएं भी काफी मिली थी। इन असफलताओं से जुड़े जो अनुभव उन्हें मिले थे, उन अनुभवों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और वे जिंदगी में और भी मजबूत होते चले गए। उस समय कलाम साहब को जब मिसाइल प्रोग्राम बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई तो कलाम साहब ने उसे बड़ी कुशलता से निभाया था। उस समय मिसाइल टेक्नोलॉजी का ज्ञान दुनिया के कुछ ही देशों के पास था। जब कलाम साहब इन मिसाइल्स को बना रहे थे तो दूसरे देश बड़े हैरान हो गए थे और वे जानने के लिए उत्सुक थे कि भारत इस क्षेत्र में कैसे काम कर रहा है और आगे कैसे बढ़ रहा है। ईयर 1988 में पृथ्वी मिसाइल को लॉन्च किया गया तो हिंदुस्तान के लिए ये एक बड़ा ऐतिहासिक मौका था। पृथ्वी मिसाइल सिर्फ एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल नहीं थी, बल्कि भविष्य में आने वाली कई सारी मिसाइल्स का आधार थी। इस मिसाइल के लॉन्च से आसपास के देश घबरा गए थे। पश्चिमी देश पहले तो इस लॉन्च से घबरा गए और फिर हैरान हो गए। साथ ही साथ इन देशों ने अपनी नाराजगी भी जताई और फिर पाबंदी लगा दी हिंदुस्तान पर कि हम बाहर के देशों से ऐसी कोई भी चीज ना खरीद सकें जो हमारे मिसाइल प्रोग्राम में काम आ सके। ईयर 1989 अप्रैल में मिसाइल अग्नि को लॉन्च करना था और इस प्रोजेक्ट पर 500 से ज्यादा साइंटिस्ट काम कर रहे थे। लॉन्च की सारी तैयारियां जोर शोर से चल रही थी और सुरक्षा के लिए ये फैसला लिया गया था कि आसपास के गांव खाली करवा दिए जाएं। मीडिया के साथ साथ बाकी सब देशों की नजरें भी हिंदुस्तान पर टिकी हुई थी। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार का भी पूरा सहयोग था, लेकिन दुर्भाग्यवश लॉन्च के कुछ सेकेंड्स पहले कुछ तकनीकी रुकावटें सामने आईं, जिसकी वजह से इस लॉन्च को रोकना पड़ गया। मीडिया ने इस बात को हवा में बहुत उछाला और वे तरह तरह के व्यंग कसने लग गई। कलाम साहब और पूरी टीम निराश हो गए थे, लेकिन एक अलग ही स्तर की ऊर्जा वाले व्यक्ति थे कलाम साहब और अगले 10 दिन तक उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने मिसाइल की खामियों पर काम किया, लेकिन इस बार भी एक पुर्जे की खराबी की वजह से इस उड़ान को रोक दिया गया। दोस्तों, साइंस के क्षेत्र में ऐसी असफलताएं होना आम बात है। ऐसे वक्त में किसी को भी इन असफलताओं के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन मीडिया वालों ने बजाय सपोर्ट करने के उस समय इस लॉन्च की असफलता को लेकर काफी प्रश्न उठाए। लेकिन कलाम साहब भी अपने वायदे के पक्के थे और एक बार फिर से ये टीम पूरे जोश में आ गई कि इस मिसाइल के लॉन्च में कोई भी रुकावट ना आए। 22 मई 1989 के दिन अग्नि को फिर से लॉन्च करने की तैयारी की गई। लॉन्च की तारीख की सुबह का सूरज एक नई दिशा का पैगाम लाया और इस बार ये लॉन्च सफल रहा। 5 साल की मेहनत के बाद इस टीम का ये सपना पूरा हुआ और कलाम साहब की जिंदगी का ये सबसे कीमती पल था। उन चंद सेकंड्स ने कलाम साहब के बरसों की थकान को दूर कर दिया था और एक बार फिर से उन्हें कामयाबी का ताज पहना दिया था। दोस्तों, क्या आपको मालूम है अग्नि मिसाइल लॉन्च करने के बाद रशिया, US, चाइना,
फ्रांस और यूके के बाद भारत छठा ऐसा देश था जिसने इतने सारे शक्तिशाली मिसाइल्स बनाए, और ये सब हमारे जीनियस कलाम साहब की देन थी। ईयर 1990 में उन्हें उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण से नवाजा गया। ईयर 1990 में उन्होंने PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी लॉन्च किया था, जिसमें फिर से वे एक बार बहुत कामयाब रहे। दोस्तों, 90 के उस दशक में न्यूक्लियर पावर की बातें दुनिया भर में चल रही थी। कलाम साहब जो उस समय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के लिए एज अ चीफ साइंटिफिक एडवाइजर का भी काम कर रहे थे और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एज अ सेक्रेटरी का भी काम कर रहे थे। इस दौरान पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए गए, जिसमें कलाम साहब ने पॉलिटिकली और टेक्नोलॉजिकली एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई, और उन्हीं के कड़े प्रयासों से इंडिया एक न्यूक्लियर रिच कंट्री बन पाई। उनकी इन्हीं उपलब्धियों के लिए उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ न्यूक्लियर साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिला, और यह 1997 में उन्हें भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया। दोस्तों, कलाम साहब ने हमारे प्यारे हिंदुस्तान के लिए और भी बहुत खूबसूरत सपने संजोए थे। क्या उनके द्वारा देखे गए ये सपने हिंदुस्तान को एक नई दिशा दिखाएंगे? दोस्तों, भारत ने ख्वाब में भी कभी ये सोचा नहीं था कि उनका खुद का एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा, लेकिन कलाम साहब की बदौलत, उनकी मेहनत, उनकी अतुलनीय बुद्धिमता और उनका सपना जो उन्होंने भारत को लेकर देखा था कि बाय 2020 भारत एक विकसित देश होगा, और इन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से YS राजन, जो एक इंडियन प्रोफेसर और साइंटिस्ट है, उनके साथ मिलकर एक किताब लिखी थी जिसका नाम है इंडिया 2020। इस किताब में कलाम साहब ने आने वाले समय में भारत के विकास के बारे में अपने विचारों को व्यक्त किया है। इस किताब में उन्होंने भारत के लिए एक एक्शन प्लान भी बनाया है जो भारत के विकास में बहुत मदद करेगा। दोस्तों, कलाम साहब का ये मानना था कि भारत एक बहुत मजबूत और समृद्ध देश है, और यहाँ के लोगों में बुद्धिमता कूट कूट कर भरी है। एक साइंटिस्ट होने के नाते कलाम साहब ने इस किताब में ये भी बताया है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से भारत एक बहुत ही विकसित देश बन सकता है। 1979 में जब कलाम साहब SLV-3 पर और दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, तो उस समय किसी भी देश ने आगे आकर भारत को अपना सहयोग नहीं दिया था, लेकिन कलाम साहब ने हमारे भारत के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था, और उन्हीं की बदौलत 2017 में भारत ने 104 सैटेलाइट्स एक रॉकेट से लॉन्च किए, जो पूरे संसार में एक बहुत ही अफोर्डेबल स्पेस प्रोग्राम था। दोस्तों, कलाम साहब ने 41 इयर्स तक भारत की सेवा की थी, और ईयर 1999 में वे DRDO से रिटायर हो गए थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय वे मंत्रिमंडल बना रहे थे, यानी बोर्ड ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म कर रहे थे। वाजपेयी जी चाहते थे कि कलाम साहब होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें। उस समय कलाम साहब ने उनसे कुछ वक्त की मोहलत मांगी, और फिर एक दिन बाद उन्होंने वाजपेयी जी को कॉल किया और बड़ी विनम्रता से उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। दरअसल कलाम साहब उस समय भारत की युवा पीढ़ी पर अपना ध्यान देना चाहते थे, और वे एक नई पीढ़ी बनाना चाहते थे और उस पीढ़ी का मार्गदर्शन भी करना चाहते थे, ताकि इस पीढ़ी को एक बहुत सुंदर और सही दिशा मिले, जो आने वाले समय में एक बहुत ही मजबूत और उज्जवल भारत की रचना कर सके। इसीलिए वे हजारों युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए टीचिंग के प्रोफेशन में चले गए, और उन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस में एज अ विजिटिंग प्रोफेसर बनकर युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करना शुरू किया। इनमें से कुछ मुख्य कॉलेजेस थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM शिलोंग, IIM अहमदाबाद,
IIM इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। इन सभी इंस्टीट्यूट्स में कलाम साहब ने बच्चों को एरोस्पेस इंजीनियरिंग के विषय में उनका मार्गदर्शन करना शुरू किया। इसके अलावा पूरे भारत में उन्होंने बहुत सारे एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में विजिट करना शुरू किया। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोगों की ये तमन्ना होती है कि वे अब अपनी जिंदगी में आराम करेंगे और बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है कि वे विश्व भ्रमण पर जाएंगे या अब अपने जीवन में खुद पर फोकस करेंगे। लेकिन कलाम साहब की उदारता तो देखिए कि सारी जिंदगी उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो कुछ भी सीखा और जो उनके अनुभव थे, अपने उन अनुभवों से वे युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करना चाहते थे ताकि वे भारत को एक विकसित देश देख पाए। और उनका मानना था कि अगर भारत को एक उन्नत देश देखना है तो आज की युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी है। ईयर 2002 में जब इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे तो इन इलेक्शंस के लिए बहुत सारे लोगों के नाम सजेस्ट किए गए थे और इस दौरान एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कलाम साहब का नाम इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए सजेस्ट किया था। दोस्तों, ये बात है जून 2002 की। उन दिनों कलाम साहब एक दिन अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे और उस दिन उनका लेक्चर एक्सटेंड हो गया था और इसी वजह से वे शाम तक बहुत बिजी रहे। इसके बाद जब वे अपने कमरे की तरफ वापस जा रहे थे तो कॉलेज के वाइस चांसलर ने उनको बताया कि सुबह से उनके ऑफिस में कहीं बार फोन कॉल्स आए हैं और कोई उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही जब कलाम साहब अपने कमरे में पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि उनका फोन फिर से बज रहा है। जब कलाम साहब ने फोन उठाया तो उनको फोन पर संदेश मिला कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उनसे बात करना चाहते हैं। फिर वाजपेयी जी फोन लाइन पर आते हैं और कलाम साहब से उनका हालचाल पूछकर उन्हें बोलते हैं कि मैं आपको एक विशेष समाचार देना चाहता हूं कि हम सब लीडर्स ने और पार्टीज ने मिलकर ये फैसला किया है कि राष्ट्र को राष्ट्रपति के रूप में आपकी जरूरत है और इस बार आप मना मत कीजिएगा, मैं आपकी हां सुनना चाहता हूं। ये सुनते ही कलाम साहब ने वाजपेयी जी से 2 घंटे की मोहलत मांगी। उस समय कलाम साहब के सामने भारत के भविष्य की विभिन्न छवियां आ रही। इस दौरान उन्होंने अपने करीबी मित्रों को एकेडमिक फील्ड, पॉलिटिक्स और सिविल सर्विसेज में जो उनके जानकार थे उनसे भी सलाह मांगी और बात करी। उस समय उनके जहन में विचार आ रहा था कि वे एकेडमिक फील्ड में रहकर हमारी आज की युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन जारी रखें या ये अवसर जो उनको मिला है उसकी मदद से वे इंडिया 2020 के बारे में जो उनके विचार हैं, इंडिया का विजन जो उन्होंने देखा था कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री हो, उसको वे राष्ट्र के समक्ष रखें। और अंत में उन्होंने अपना फैसला लिया और फिर उन्होंने वाजपेयी जी को फोन किया और उनसे कहा कि वे तैयार हैं। जुलाई 2002 में उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीते और उन्हें भारत का 11th प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। दोस्तों, कैसा रहेगा कलाम साहब का आने वाला सफर? दोस्तों, कलाम साहब की सादगी के बारे में हम जितनी बात करें उतनी ही कम है। आम तौर पर जब लोग किसी उच्च पद पर पहुंच जाते हैं तो उनका रवैया बदल जाता है या कई बार लोग दिखावा बहुत करते हैं, लेकिन हमारे कलाम साहब एक जीती जागती मिसाल थे, ना सिर्फ देश के लिए बल्कि हमारी युवा पीढ़ी के लिए भी। वे एक बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे जो सादगी से अपना जीवन जीते थे। वे एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक अप्रोच वाले व्यक्ति थे जो कम से कम चीजों के साथ जीवन यापन करते थे। अगर हम उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स की बात करें तो उनके पास बहुत कम चीजें थी, जैसे उनके पिताजी का घर जो रामेश्वरम में था, उनकी कुछ पुस्तकें, एक वीणा जिसको बजाकर वे बहुत आनंदित हो जाते थे, एक कलाई की घड़ी, एक सीडी प्लेयर जिसमें वह भजन सुना करते थे, एक लैपटॉप
कुछ कपड़े और एक जोड़ी जूते। दोस्तों, कलाम साहब जब राष्ट्रपति बने थे तो उस दौरान वे राष्ट्रपति भवन में रहने गए थे। उस समय वे अपने साथ सिर्फ 2 सूटकेसेस लेकर गए थे और जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ था तब भी वे 2 सूटकेसेस लेकर ही वापस आए थे। ईयर 2002 से लेकर ईयर 2007 तक कलाम साहब राष्ट्रपति भवन में रहे थे। इस दौरान राष्ट्रपति भवन में जो उनके स्टाफ के सदस्य थे वे भी कलाम साहब के गुणगान गाते थकते नहीं थे और वे बताते थे कि उन्होंने कभी भी खाने को लेकर या किसी और मुद्दे को लेकर कोई शिकायत नहीं की थी। अपनी टीम के लिए भी वे बहुत कंसर्न रहते थे और अपने टीम मेंबर से वे पर्सनली इंटरैक्ट करते थे। कलाम साहब वाकई एक सेलिब्रिटी थे और वे बच्चों को बहुत एडमायर करते थे और बच्चे भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। जब भी कोई अवसर होता तो राष्ट्रपति भवन के लॉन में बच्चों की भीड़ लग जाती थी। बच्चे कलाम साहब से बातचीत करने के लिए उन्हें घेर लेते थे और वे भी बच्चों को बिल्कुल निराश नहीं करते थे और उन सब के बीच में घंटों बातें चलती रहती थी। कलाम साहब एक ग्रेट एनिमल लवर थे, यानी पशु प्रेमी थे, और वे एक शाकाहारी थे। वे पर्यावरण को लेकर भी बहुत सचेत थे। एक बार की बात है, जब कलाम साहब DRDO में काम करते थे तो उनकी टीम उनसे सलाह मशवरा कर रही थी कि बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए क्या वे कांच के टूटे हुए टुकड़ों को दीवार पर लगा सकते हैं। इस पर कलाम साहब ने उन्हें तुरंत जवाब दिया, नहीं, ऐसा करने से पक्षियों को बहुत नुकसान हो सकता है। कलाम साहब को पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता था क्योंकि राष्ट्रपति के रूप में वे अधिक से अधिक युवाओं को व्यक्तिगत रूप से मिलने की प्राथमिकता देते थे। उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में लगभग 5 लाख युवाओं से मिलने का रिकॉर्ड तोड़ लक्ष्य हासिल किया था। जब उन्होंने 2007 में राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था तो उन्हें कलाम चाचा की उपाधि भी दी गई थी। देश के करोड़ों युवा उनसे बहुत प्रेरित थे। कलाम साहब को एक दिन में सैकड़ों ईमेल्स आते थे और वे उन ईमेल्स का खुद रिप्लाई करते थे। ईयर 2012 में उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम था व्हाट कैन आई गिव मोमेंट। ये कैंपेन युवाओं को प्रेरणा देने के लिए था ताकि देश के युवा अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए छोटे और सकारात्मक कदम उठाएं। 70 साल की उम्र में उन्हें यूथ आइकन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। कलाम साहब अपने विनम्र व्यवहार से और अपनी सादगी से हर किसी का मन मोह लेते थे। दोस्तों, कलाम साहब युवा पीढ़ी को लेकर बहुत कंसर्न थे, इसीलिए रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने बच्चों को प्रेरित करना जारी रखा। इसी सिलसिले में 27 जुलाई 2015 को कलाम साहब को एक लेक्चर डिलीवर करने IIM शिलोंग जाना था। जब वे वहां पहुंचे तो वहां पर सीढ़ियां चढ़ते वक्त उन्हें अंदर से कुछ तकलीफ महसूस हुई, लेकिन थोड़ा सा आराम करने के बाद वे ऑडिटोरियम में लेक्चर देने के लिए चले गए। लेक्चर शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद वे कोलैप्स हो गए और उन्हें तुरंत ही पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। उनकी कंडीशन उस समय काफी क्रिटिकल थी और उन्हें उस वक्त ICU में रखा गया था और लगभग रात के 7:45 के करीब कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। दोस्तों, कलाम साहब के निधन की खबर से पूरे भारत को एक गहरा सदमा पहुंचा था। सिर्फ देश का ही नहीं, उनका जाना पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। कलाम साहब अंधेरी रात का वो चमकता तारा थे जो हजारों तारों से भिन्न था, जो खुद के लिए नहीं चमकते थे पर उस तारे की चमक से सबको एक उम्मीद और सहारा मिलता था। कलाम साहब सूरज की वो पहली किरण थे जो अपनी मौजूदगी से ही किसी की भी जिंदगी में उजाला कर देते थे। उनका निधन साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा लॉस था। उनका जीवन और उनके द्वारा किए गए महान कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल होंगे। वाकई उनकी मृत्यु ने एक शून्य छोड़ दिया है जिसको शायद कोई भी ना भर पाए। उनकी ख्याति सिर्फ भारत में ही नहीं थी बल्कि विदेश में भी उनका नाम और बहुत प्रतिष्ठा थी। दोस्तों, आज कलाम साहब हम सबके बीच में नहीं रहे। भारत को लेकर उनका एक खूबसूरत सपना था,
देश की युवा पीढ़ी जिसके लिए वे बहुत कंसर्न रहते थे, इस पीढ़ी को उन्होंने बहुत प्रेरणा दी और बच्चे भी उनकी आंखों का नूर थे। उन्होंने हमारे देश के लिए निस्वार्थ भाव से इतना कुछ किया, बदले में हम अगर उनके दिए गए सिद्धांतों पर चलें, उनकी दी हुई शिक्षा पर अमल करें, उनकी बातों से प्रेरित होकर अपने जीवन में एक बदलाव लाएं और जीवन में आई कठिनाइयों से और असफलताओं से ना घबराकर उनकी बातें अपने जहन में लाएं, तो उनके द्वारा भारत के लिए देखा गया वो खूबसूरत सपना हम सब मिलकर जरूर पूरा कर सकते हैं और यही उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको कलाम साहब के जीवन की ये खूबसूरत कहानी पसंद आई होगी। आप सुन रहे हैं मीट्स को ओनली ऑन कुकू FM, सुने जो मन चाहे। अगर आप सबको ये ऑडियो पसंद आया हो तो आप इसे 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं।